हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी तिल और मावा के लड्डू बनाना। तिल की तासीर गर्म होती है, तो आप इसको सर्दी के मौसम में बना करके खा सकते हैं। तो फिर आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनते हैं ये तिल और मावा के लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं खाने में, तो आप एक बार इन लड्डुओं को बना करके ज़रूर ट्राई करें। तो आइए देख लेते हैं फटाफट से। तिल और मावा के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो तिल लिए है। तो गैस पर एक कढ़ाई रख देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम तिल को भून लेंगे। इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम तिल को भून लेंगे। और अब भून चुका है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया, तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ पर आधा किलो मावा लिया है, इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। तो अब हम एक पैन रख देंगे गैस पे और इसको हम मावा को थोड़ा सा भून लेंगे। हल्का सा ये ब्राउन हो जाएगा, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से घी छोड़ देगा ये मावा। तब तक हम इसको चलाते हुए भून लेंगे। जो टुकड़े हैं उनको भी हम दबा के तोड़ देंगे। जो हमारा मावा है इसने घी छोड़ दिया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। गैस का फ्लेम हम बंद नहीं करेंगे बल्कि हम लो कर देंगे, क्योंकि जो हमें मावा है वो बिल्कुल गरम गरम ही चाहिए लड्डू बनाने के लिए। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। जो तिल हमने कढ़ाई में भुने थे उनको ठंडा होने के बाद मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। और मैंने आधा किलो यहाँ पर बूरा शक्कर ली है। आप चाहें तो घर में भी मिक्सी से चीनी को पीस सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बूरा शक्कर का इस्तेमाल किया है। और अब जो तिल थी जिसको मैंने मिक्सी में पीस लिया था हल्का दरदरा, और जो शक्कर है उस दोनों को हम मिला देंगे हाथों से अच्छे से। इस तरीके से रगड़ रगड़ के हम अच्छे से मिला देंगे। और जो मावा है वो मैंने इसको ठंडा नहीं होने दिया है, बिल्कुल गर्म गर्म मावा है, तो वो हम गरम गरम मावा इसमें हम मिला देंगे। और हमारे मावा में ऑलरेडी घी है। अगर आपके मावा में घी ना छोड़ा हो मावा ने घी, तो आप अलग से इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल सकते हैं। और हाथों से हम इस तरीके से रगड़ रगड़ के हम इसको अच्छे से मिला देंगे। ये गरम है हल्का सा, इस तरीके से हम रख देंगे जिससे कि ये बहुत जल्दी ठंडा ना हो, क्योंकि हमें जो लड्डू हैं वो गरम गरम में ही बनाने हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर लड्डू नहीं बनेंगे। तब आप क्या करेंगे, इसमें 2-3 टेबलस्पून दूध डाल देंगे, इस तरीके से लड्डू बना लेंगे। अगर आपका मावा कम हो और आपके लड्डू ना बन रहे हो, तब आप इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून दूध डाल के भी लड्डू बना सकते हैं। इस तरीके से गोल शेप देते हुए सारे लड्डू बना लेंगे। तो हमारे मावा और तिल के लड्डू बन करके तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।